बस अस्पताल आ गया है, बस आने वाला है। बाबूजी आप घबराइए मत, चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा तू अभी तक यहीं है? ओह अपनी परेशानी में मैं तुझे पैसे देना भी। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं रुका हूँ। वो तो माताजी को देखकर मुझे मेरी अम्मी जान की याद आ गई थी। और आपका कोई साथ नहीं आया? मतलब आपका बेटा या बेटी, किसी को तो साथ लाना चाहिए था ना आपको। बेटा तो है मेरा, मगर वह यहाँ नहीं, विदेश में रहता है। अच्छा तभी वो आपके साथ नहीं आया। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करो, मैं आपके साथ हूँ यहाँ। बेटा हाँ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ, मेरी बहन, और मर्दों में सिर्फ मैं ही हूँ, और वो भी यहाँ शहर कमाने आ गया। अम्मी कुछ बात करनी थी। क्या हुआ मैक? अम्मी मुझे आगे पढ़ना है, और आप तो जानती है कि भैया की इतनी कमाई नहीं कि मैं आगे पढ़ सकूं। तो मैं सोच रही थी कि मैं एक छोटी सी नौकरी कर लेती हूँ, फिर भैया को भी मदद हो जाएगी। तेरा भाई अभी जिंदा है और तुझे नौकरी की नौबत नहीं आने देगा, तू सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा। हाँ जानता हो जाम रहते वहाँ मजदूरी कम है, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा, और आइंदा इस घर में नौकरी की बात कोई नहीं करेगा। समझ में आया? यार विजय थोड़ा परेशान हूँ। क्यों? घर की हालत कुछ ठीक नहीं चल रही है। जितना कमा रहा उतने में गुजारा नहीं हो पा रहा है। क्यों? और पता है आज तो महक ने ताना मार दिया नौकरी का। अरे विजय के होते हो टेंशन मत ले यार, रुक कुछ सोचता हूँ। ले अरे हाँ मेरा दोस्त है, कुछ ही महीनों पहले शहर गया, वहाँ पे ऑटो चलाता है। बोल रहा था कि बहुत पैसे कमाने लग गया है, अच्छी खासी कमाई हो जाती है दिन भर में। एक काम करता हूँ मैं, उससे बात करता हूँ, बोलता हूँ कि तेरे लिए भी कोई जुगाड़ बना दे। अरे यार विजय तो बड़ी अच्छी बात है, तूने इस दोस्त से बात कर लेना मेरे लिए। अरे टेंशन मत ले, समझ तेरा काम हो गया। और हाँ कल रक्षाबंधन है, मैक को बोलना कि मैं आने वाला हूँ। अरे हाँ हाँ, और समय पर आ जाना। हाँ हाँ मैं तो आ जाऊँगा, तेरा देखते शहंशाह के जैसे सोया रहेगा तू। हाँ हाँ उठ जाऊंगा, चल चलता हूँ। अरे टिप तो दे दे, कान से दूसरा ले ले। हेलो रेशमा। हाँ बोलो सलीम। क्या तुम मुझसे मिलने आओगी? क्यों क्या बात है? पहले आओ तो सही, बताता हूँ। ठीक है, अब्बा कहीं जाने की बात कर रहे हैं, जैसे वो चले जाते हैं मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। लेकिन बात तो बता, हुआ क्या है? तेरी बात से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। हाँ हाँ तुम आओ मैं बताता हूँ। ठीक है, कोई आ रहा है शायद, मैं रखती हूँ। जा तो रहा हूँ, कैसे रह पाऊंगा इन सब के बिना, ये तो सोचा ही नहीं। लेकिन जा भी तो इन्हीं के लिए रहा हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए अपने परिवार के लिए मुझे तो जाना ही होगा। पैसे कमाकर कुछ समय बाद अपना धंधा यहीं पे शुरू कर दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा।
बहुत देर लगा दी तूने आने में सलीम। अरे काम था इसलिए आने में थोड़ी देरी होगी। कब से इंतजार कर रही हूँ तेरा। अच्छा जी, कभी कभी इंतजार पूरी जिंदगी भी करना पड़ सकता है। हाँ। और प्यार में इंतजार का एक अपना मजा है रेशमा। हाँ वो तो है, लेकिन अब बता तूने मुझे क्यों बुलाया यहाँ। तुझसे बिछड़ने के दिन आ गए रेशमा। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है? पिछड़े हमारे दुश्मन, अभी तो जिंदगी शुरू भी नहीं हुई और तूने बिछड़ने की बात कह दी। रुक, मैं तुझे पूरी बात बताता हूँ, तब तेरे समझ में आएगा। ओह, सबसे पहले तो मुझे खुशी हो रही है कि तू अपने परिवार के लिए इतना कुछ करने के लिए बेताब। महक को पढ़ाई के लेकर जो तू बात कर रहा है और उसे अफसर बनाने का जो तेरा सपना है वो जरूर पूरा होगा। बात तो तेरी सही है सलीम, तुझे जल्द शहर जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा कर यही अपना कोई धंधा शुरू करेगा। तेरा ये आइडिया भी ठीक है। मैंने इसलिए तुझे यहाँ बुलाया रेशमा, अब कुछ दिन बाद मैं शहर चला जाऊँगा और क्या पता यहाँ कब आना हो। और तुझसे मिलकर तो मुझे एक हिम्मत सी आ गई है। मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ सलीम। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी रेशमा। तू बेफिक्र होके शहर जा। मैं परिवार से बात करता हूँ और जल्द शहर जाने की तैयारी करता हूँ, और मैं वहाँ जाकर तुझे रोज फोन करूँगा। तू बस अपना ख्याल रखना रेशमा। अच्छा वक्त क्या हुआ है? अरे देरी हो रही है, मुझे काम है, चल जाता हूँ, मिलते हैं। जल्दी आना। हाँ जी। अम्मी भैया आ गए। सलीम जरा अंदर आना तो। हाँ मैं आ रहा हूँ। बड़ा ही खुश नजर आ रहा है, गुस्सा उतर गया है क्या? और खाना खाने भी नहीं आए, बाहर कुछ खा लिया क्या भैया? बेवजह गुस्सा होकर चला गया था सुबह। हाँ माँ, मैंने विजय के साथ खाना खा लिया था। और सबके लिए खुशखबरी है, विजय ने मेरे लिए काम ढूंढा है शहर में, और शायद मैं परसों तक चला भी जाऊंगा। क्या बोल रहा है तू, शहर जाने वाला है? हाँ मैं, मुझे पैसे कमाने के लिए शहर जाना है। अरे पगले, हम यहाँ पर खुश है, तू महक की बात दिल पर मत ले। अरे मेरी प्यारी अम्मी, बस कुछ महीनों की बात है, एक बार मैं शहर चले जाऊंगा, कुछ पैसे कमा लूंगा और वापस आ जाऊंगा। इसमें बुरा क्या है? अरे भैया हमारे बारे में तो सोचा था, कैसे रह पाएंगे हम आपके बिना? अरे मेरी गुड़िया बहन, मैं वहाँ बसने नहीं जा रहा। और रही बात घर की जिम्मेदारी की, तो तेरा और एक भाई है ना यहाँ विजय, वो सब संभाल लेगा। अच्छा तो विजय तुझे भेज रहा है काम पर? वो तो खुद तो निकम्मा है और तुझे भेज रहा है काम पर, उसे आने दो, उसके कान के नीचे दो लगा के देती। नहीं अम्मी ऐसी बात नहीं है, विजय ने तो हमारे हालात देखकर शहर में उसके दोस्तों से बात कर रखी है। मैं वहाँ जाऊँगा, काम करूँगा और अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा, ताकि मेरी बहन को मैं अफसर बना सकूँ। बात तो तेरी सही है, पर वहाँ जाकर अपना ख्याल रखना, बस तू ही हमारा सहारा है। भैया जल्दी से उठ जाओ, आज राखी का त्योहार है, कब से सो रहे हो? विजय भैया आते होंगे। हाँ हाँ मैं आऊंगा, तुम चिंता मत करो। अरे भैया क्या बोले जा रहे हो, जागो, सुबह हो गई, पता नहीं कैसे कैसे सपने देखते रहते हैं। उठो नहीं तो मैं भाभी की फोटो अम्मी को दिखा दूंगी। अरे बाबा फोन दे दे। उठ रहा हूँ अभी, 5 मिनट फोन दे। सलीम भैया 10 मिनट में उठो, नहीं तो मैं रेशमा कौन है अम्मी को बता दूंगी। उठ रहा हूँ बाबा, क्या है ठीक से सोने भी नहीं देती।
तेरे ही काबू में आता है पगला। ले एक कपड़े अरमानी में लग दे और एक खिड़की भी खोल दे, वो विजय आता ही होगा अभी। मम्मी विजय भैया आ गए। कहाँ है शहजादा, आया नहीं अभी तक? अरे यही हूँ भाई, यही हूँ, आ रहा हूँ। आ गए, बहुत देर लगा दी। कहाँ की देर, आप और हम दोनों साथ ही तो आए। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि तुम दोनों की दोस्ती ऐसे ही सलामत रखे और तुम ऐसे ही हंसते खिलते रहो। ये तो तुम्हारी मेहरबानी है अम्मी कि आपने मजहब को कभी दोस्ती के बीच आने नहीं दिया। आप दोनों भाई हमेशा साथ रहे। अच्छा विजय, कल तुम मुझे छोड़ देगा ना भाई? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, तू बस वहाँ पहुँच जा, मैंने सारा इंतजाम कर दिया। लेकिन क्या जरूरत पड़ गई शहर जाने की? देख महक, मैं ज्यादा नहीं पढ़ सका, लेकिन मुझे तुझे आगे पढ़ाना है, बहुत ज्यादा पढ़ाना है, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना है। महक तू चिंता ना कर, ये भाई हमेशा तेरे साथ रहेगा और सलीम अगले साल भी राखी के त्योहार पे आएगा। हाँ राखी से याद आया, चलो विजय को राखी बांधनी कहे ना। चलो हाँ चल भाई। भाभी जी इसको अच्छे से देख लो, ये जल्दी वापस नहीं आने वाला। हाँ वो तो है, सलीम के बिना मन नहीं लगेगा। अरे कोई नहीं, जल्द आऊंगा ना तुझसे गांव में मिलने। मैं तो इंतजार में रहूंगी तेरे। कुछ इंतजार प्यार को और मजबूत बना देता है, मेरा तो मन तुझ में ही बसा रहेगा, बस तू मेरी मजबूरी को जान ले, एक बार शहर चले जाओ सब ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखना और समय पर खाना खाते रहना। अच्छा जी आपका हुक्म सराहत, अभी हम चले, देरी हो रही है। Thank you.
बाद यहाँ उस दोस्त से मिला और ऑटो रिक्शा किराए पर लिया। बस तब से रोज़ यहाँ ऑटो चलाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। कभी कभी भूखा भी सो जाता हूँ, लेकिन अपने मन की बात कभी घर वालों को नहीं बताता। बेटा, मेरे लिए तो तू जन्नत से आया कोई फरिश्ता लगता है। तेरी कहानी सुनकर तो मुझे अपने बेटे की याद आ गई। एक तू है जो ज्यादा पैसे कमाने के लिए गांव से शहर आया अपने परिवार के लिए, और एक मेरा बेटा जो शहर से दूर अपने बूढ़े माँ बापों को छोड़ परदेश चला गया। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, अपनी कहानी तो कुछ अलग है। लोग बेटी को पराया धन समझते हैं। आज मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में बेटा पराया धन होता है। सही कहा, बेटी हमेशा अपनी होती है। यहाँ इतना सब है, और क्या धन की जरूरत पड़गी जो विदेश जाना पड़ गया। जिस बेटे को अपने बूढ़े माँ बाप की चिंता नहीं, वो क्या अपना। पैसे के आगे कौन माँ बाप। कैसी बातें कर रही हो। और बहू ने भी हमारे बारे में नहीं सोचा। बहू क्यों रुकेगी, तुम क्या मेरे बगैर रह सकती हो। जहां प्रशांत जाएगा बहू भी उसके साथ जाएगी। उस पर हमारा हक प्रशांत के बाद है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे रह पाएंगे हम। पता है हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी जाना सही समझा। चलो कोई बात नहीं, मन को समझाकर आगे की जिंदगी तो जीनी पड़ेगी। बिना बेटे के जिंदगी जीनी पड़ेगी। माँ, कल रात हमने जो बात की थी उसमें हमने ये फैसला लिया है कि हम विदेश जा रहे हैं। क्या ऐसे नहीं हो सकता कि हम भी साथ चले। नहीं माँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम अकेले किसके सहारे रहेंगे। लेकर तो जाता माँ, लेकिन वहाँ का खर्चा यहाँ से बहुत ज्यादा है। जूही को क्यों ले जा रहे हैं, अकेले जाना फिर। ओफ, कैसी बात कर रही हो माँ, वो तो मेरी पत्नी है। और मैं कुछ नहीं, पलट कर बोला नहीं, कुछ तो जवाब दे। क्या पता तेरे इंतजार में मेरे मरने के बाद चिता में आग लगाने भी ना आए। क्यों ऐसा बोल रही हो, तुम भी मेरी हो, वो भी मेरी। सही कह रही हूँ प्रशांत, पैसों के आगे हर रिश्ते की कीमत फीकी पड़ जाती है। ऐसी बात नहीं है माँ, सबको आगे बढ़ना होता है। क्या आप मेरे तरक्की से खुश नहीं हो। तो क्या तू बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ कर जा रहा है, क्या इसी में तेरी खुशी है। कैसे समझाऊं माँ मैं तुझे। माँ हूँ, समझा सकता है तू। बड़ा और ज्यादा समझदार हो गया है ना तू, समझा सकता है तू। माँ, मैं तो बस इतना बताने आया था कि हम यहाँ से जा रहे हैं। ये मेरा आखिरी फैसला है। जब इन्होंने सोच ही लिया है जाने के लिए, तो हम कौन होते इन्हें रोकने वाले।
समझा प्रशांत को, क्या कमी है इस घर में जो विदेश जाना चाहता है? माँ जी, यहाँ क्या है, न अच्छी सोसाइटी न अच्छा पैसा, यहाँ हमारा कोई फ्यूचर नहीं। प्रशांत और मैं वेल क्वालिफाइड है, हमारे टैलेंट की यहाँ कोई कीमत नहीं। मैंने सोचा कि तू समझा सकती थी बेटा। नहीं माँ जी, हमने सोच लिया। एक बार हमारे बुढ़ापे को तो देखो, इस उम्र में हमें तुम्हारा तो सहारा है। आप यहाँ खुश हो पर हम नहीं। एक बार ठंडे दिमाग से सोचना बेटे। हमने सोच लिया और डिसाइड कर लिया, यहाँ नहीं रहना। एक बार सुनो ना। हाँ बोलो। कल रात माँ मुझसे मिलने आई थी। तुमने क्या कहा? मैंने बोल दिया, माँ जी हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमने डिसाइड कर लिया। अच्छा किया। ठीक कहा बाबूजी, अब तक उनका स्टैंडर्ड नहीं बदल पाए, सोचो अपना क्या बदलेंगे। इन्होंने जीवन में सपने नहीं देखे, हमने देखे हैं, इसलिए प्रशांत मैं बाहर तुम्हें लेकर आई हूँ ताकि खुलकर बात हो सके। ठीक किया, हम यहाँ आए। चलो थोड़ा टहलते हैं। देखो जूही, बचपन से ही मेरे बड़े सपने हैं, बड़े सपने बाहर जाकर ही पूरे हो सकते हैं, इसीलिए तो बाहर जाने का फैसला किया है। अब वो नहीं समझ सकते तो क्या करें? प्रशांत हमारे सामने पूरी जिंदगी है, कल को हमारे बच्चे होंगे तो एक नए डेवलप माहौल में वो पैदा होंगे। मैं तो अपने सपनों को साकार करूंगा। मैं साथ दूंगी तुम्हारा। लो चाय पियो। प्रशांत की बहुत याद आ रही है। आज तुम्हारा जन्मदिन है, घर पे रहते तो तनहिया काटने को दौड़ती। हाँ, उसकी याद में कुछ अच्छा नहीं लगता। ज्यादा मत सोचो, तबीयत खराब हो जाएगी, मस्त रहो, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ। अरे वाह, ये हुई ना बात, हमेशा खुश रहो, मस्त रहो। मैं तुम्हें अस्पताल लेके चलता हूँ। प्रशांत को बुला दो। मैंने उसे फोन कर दिया है। प्रशांत, वह आता ही होगा। प्रशांत, मैं बाहर से कोई सवारी लेके आता हूँ, तुम चिंता मत करो। प्रशांत, बस यही है मेरी दुख भरी कहानी। टूट चुका हूं मैं बेटे के परदेश जाने पर। बाबूजी आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। सर आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, जाइए। बाबूजी हम माताजी को नहीं बचा। क्या? अंतिम शब्द अपने बेटे के लिए थे। प्रशांत, प्रशांत तुम कब आओ? प्रशांत तूने ये ठीक नहीं किया।
बाबूजी, प्रशांत नहीं आया क्या? कुछ परिंदे उड़कर वापस नहीं आते बेटा। मगर प्रशांत को आना चाहिए था, माँ के अंतिम संस्कार में तो नहीं आया, कम से कम आपको मिलने आ जाता। आज 7 दिन हो चुके हैं माता जी को गुजरे हुए। मैं तो अपने मरने पर भी उम्मीद छोड़ चुका हूँ, क्या करेगा यहाँ आकर? सब सोच का फर्क है बाबूजी, वरना अपनों के लिए सात समंदर पार आने में कितनी देरी लगती है। हर कोई तेरी तरह बड़ी सोच वाला नहीं सलीम, तेरी तो एक मजबूरी थी जो तू गांव से शहर आया। प्रशांत के पास क्या कमी थी? यही कहना चाहता था बाबूजी, इतना सब कुछ होने के बाद भी विदेश जाने की क्या जरूरत पड़ गई उसे, इतना हंसता खिलता परिवार था। प्रशांत की माँ ने उसे बहुत समझाया था। बस सलीम, तुझे मेरे लिए एक काम करना होगा। बोलिए ना बाबूजी, क्या करना है? प्रशांत तो आएगा नहीं, तू यहीं रुक जा, मेरे पास रह, इतना बड़ा घर मुझे खाने को दौड़ता है। वो सब तो ठीक है बाबूजी, मगर अगर मगर मत कर सलीम, मैंने बड़ी उम्मीद के साथ उससे बात कही है, मना मत कर सलीम। लेकिन आप मुझे जानते ही कितना हो। ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करनी मुझे, जो अपना था उसको भी देख लिया, और जो बेगाना होकर भी मेरे साथ खड़ा है उसे भी। अपना जो भी सामान है लेकर आ जाओ, आज से ये तेरा घर है और तू मेरा बेटा। सोच कि तेरे बाबूजी तुझे मिल गए। बाबूजी कोई बात नहीं, जैसा आप फिक्स हैं, और मैं भी आपको बेटे की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। आज से मेरी नई जिंदगी तेरे साथ स्टार्ट होगी, जब तक तू मेरे साथ है मुझे कुछ चिंता की करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तूने ये फैसला लेकर सचमुच मेरा दिल जीत लिया। सलीम मेरा बेटा। बड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन तुझे आज मैं बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगा सलीम। शाबाश बेटा शाबाश, ये हमारी छोटी सी नर्सरी। क्या था? कुछ भी नहीं था जब सलीम, जब से तुम आए तो चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आती है बेटा, फूल की तरह तेरा चेहरा भी हमेशा मुस्कुराता रहे बेटा। शाबाश। सलीम
गया अपना स्टॉप। बाबूजी, 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 उठिए, देखिए आपका मनपसंद पिक्चर लगा है बाबूजी। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान हो? पंडित जी, दरअसल बात यह है कि मेरे पिता समान बाबूजी थे, उनका निधन हो चुका है और मुझे उनकी अस्थियां बहानी है। तो इसमें दिक्कत क्या है बेटा? मैं मुसलमान हूँ। तो इनका कोई अपना सगा नहीं है? उनका बेटा बहू है, लेकिन वो परदेश में रहते हैं, उनके पास वक्त नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि उनके पिताजी की अंतिम क्रिया कर दूँ। पंडित जी, भगवान भी कैसे कैसे परीक्षा लेते हैं। ठीक है बेटा, इस कार्य में आपकी मदद करता हूँ। पंडित, वो कलश ले लीजिए बेटे, आओ बेटा। ऊपर वाले इनके गुनाहों को माफ फरमा दे। लगता है फिर कोई परदेश जा रहा है।